गायों की डेयरी। लगभग कितनी गाय रखते थे? लगभग 70-80 गाय थी। 70-80 गायों की डेयरी थी उनका, मतलब दूध का ही काम करते थे अपने लोकल एरिया में। अच्छा, उसके बाद में मेरे पास 400 बकरियां होंगी, 15-20 लाख रुपए का समथिंग होगा। अच्छा, और खर्चा कितना? 6000 रुपए साल का। 6000 रुपए आप में जो सूखा चारा? 1-3 इसी में बनता। जैसे इन्वेस्ट करने के लिए 3 लाख रुपए है। हाँ। और कोई बंदा तो मतलब उनमें 50 बकरी लाता है। हाँ। और कोई बंदा 20 बकरी लाता है क्वालिटी की। हाँ। तो कौन सा अच्छा रहेगा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किसान फार्मिंग क्लब में। दोस्तों आज मैं आया हूँ चिड़ाव के पास झांझोत गाँव में, पप्पू जी के पास। ये लगभग 4-5 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं और इनको बकरी पालन की अच्छी जानकारी है और इसके साथ ही बेनिफिट भी ये अच्छा कमा रहे हैं। बकरी पालन में एक सफल किसान है ये। तो हम आज इनसे इनका बकरी पालन का जो सफर रहा है अभी तक उसके बारे में जानेंगे। और फिलहाल इनके पास अच्छे जानवर हैं, अच्छी क्वालिटी के ऊपर ये काम करते हैं। तो आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम और एड्रेस बताओ। नाम झांझोत, तहसील चिड़ाव, जिला झुंझुनू, राजस्थान। अच्छा, तो आप ये बकरी पालन कितने सालों से कर रहे हो? लगभग 6 साल। 6 सालों से। तो आपने बकरी पालन का मतलब कैसे सोचा कि बकरी पालन करें? मेरे पास पहले गाय थी। अच्छा, गायों में प्रॉफिट इतना नहीं था। डेयरी थी गायों की? हाँ, गायों की डेयरी। वहाँ कितने कितने साल चलाई आपने वो? 15 साल चलाई गायों की डेयरी। लगभग कितनी गाय रखते थे? लगभग 70-80 गाय थी। 70-80 गायों की डेयरी थी उनका, मतलब दूध का ही काम करते थे अपने लोकल एरिया में? लोकल में, कंपनी में भी जाते। अच्छा, और फिर उसमें दूध में आपको बेनिफिट कम लगा? बहुत ही कम मिला। अच्छा, और फिर आपने बकरी पालन की सोची? बकरी पालन। अच्छा, तो इसकी सलाह किससे ली? इसकी सलाह ये दो फार्म किए थे छोटे। अच्छा, उनसे ली तो बेनिफिट अच्छा था। उसके बाद में मैंने खुद 15-20 बकरियों से शुरुआत की। अच्छा, उसके बाद में मेरे पास 400 बकरियां होंगी। और कौन सी ब्रीड से शुरुआत की थी आपने? सिरोही लाया। सर शुरू में सिरोही ब्रीड से शुरुआत की थी। अच्छा, आज सोजत भी है, सिरोही भी है। अच्छा, और बीटल भी है। अच्छा, देसी भी है। तो इनको बाहर ग्रेजिंग करवाने भी ले जाते हो? बाहर सिर्फ फार्म पर ही रखते हो? अच्छा, यहाँ पर सूखा चारा दाना वगैरह सब यहीं पर डालते हो? अच्छा, तो फिलहाल आपके पास कितने जानवर हैं? फिलहाल मेरे पास 150। 150 जानवर, छोटे बड़े करके? बड़े कर, छोटे बड़े करके 200। छोटे बड़े करके मतलब बड़े जानवर आपके पास 150 हैं। अच्छा, और इनमें ब्रीडर कितने हैं? ब्रीडर 7। 7 ब्रीडर हैं। अच्छा, तो आप इनकी मार्केटिंग किस प्रकार करते हो? ईद के लिए करते हो? सिर्फ ईद के ऊपर बच्चे बेचते हो, बकरियां नहीं बेचते? नहीं, बकरियां नहीं। तो साल के कितने बकरे बेच देते हो एक बार ईद के ऊपर? लगभग 40-50 बकरे तो फिलहाल जा रहे हैं। अच्छा, तो नहीं 150 बकरियों के तो फालतू होने चाहिए थे ना। अब क्या, अभी पहले तो 100 बकरे भी बेचे मैंने। अच्छा, उसके बाद में मैंने थोड़ी इनकी संख्या कम कर दी, घटा दी। अच्छा, तो अब की बात तो मेरे पास 40-50 बकरे तैयार हो। अच्छा, तो लगभग आपकी साल की कमाई फिलहाल है जैसे 150 बकरियां जानवर है तो उनसे कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 40 बेचोगे आप बकरे? 40 के देख लो 15-20 लाख रुपए का समथिंग होगा। अच्छा, और खर्चा कितना आ जाता है साल का इनका? खर्चा तो बहुत कम है। और फार्म जैसे गाय फार्म है इनसे देखते हुए इनका खर्चा कम ही। अच्छा, जैसे हम एक बकरी की बात करें, लगभग इस साइड आ जाओ, अगर चलते चलते बोल रहे हो, एक बकरी की बात करें जैसे, तो लगभग कितना खर्चा आ जाता है साल का? साल का लगभग ये 500 रुपये, 500 रुपये मानने 6000 रुपये साल का। 6000 रुपये आप में जो सूखा चारा हुआ आप मोल लेते हो खेत का? हो जाता है, खेत का भी होता है, कुछ मोल भी लेते हैं। अच्छा, कमी हो तो मोल ले आओ। हाँ, और दाना वगैरह भी दे हैं? दाना देते। अच्छा, आप अभी फिलहाल कौन कौन सी नस्ल की है आपके पास बकरी? मेरे पास बीटल है, सिरोही है। अच्छा, और गुजरी भी है कुछ। अच्छा, और ये है सोजत। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा जैसे हम नस्ल की बात करें तो कौन सी नस्ल के बकरा आपने सबसे महंगा बेचा है? मैंने
तो शुरू से तो सिरोही पे ही किया था काम, तो सिरोही का ही है। अब की बार है सोजत है, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं सोजत के भी हैं। अच्छा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, और बाहर दिल्ली वगैरह ले जाते हैं यहीं से? यहीं से मार्केटिंग अपने लोकल में हो जाती है सारी? अच्छा, बम्बई जाता माल वैसे तो। अच्छा, अपन ले, मैं नहीं जाता। अच्छा, और इनकी सर्दी वगैरह बरसात वगैरह, अब बरसात का सीजन गया, कोई बीमारी वगैरह आई है? सभी जानवर स्वस्थ हैं? और इनकी जैसे मेडिसिन वगैरह टीकाकरण सब खुद कर लेते हो? नहीं, वैसे तो मैं डॉक्टर की सलाह लेके खुद भी कर लेता हूँ और उससे भी करवाता हूँ। अच्छा, और कोई डिलीवरी वगैरह में कोई दिक्कत होती है बकरे? फिलहाल मेरे को 6 साल हो गए डिलीवरी में, कोई दिक्कत नहीं, इसके ने कोई नुकसान हुआ? सभी जानवर आराम से पड़ रहे हैं। और दाना वगैरह भी देते हो? हाँ, दाना देते हैं। कितना? लगभग 200 ग्राम के लगभग, एक जानवर के हिसाब से। हाँ। अच्छा, जैसे कोई बंदा मतलब करना चाहे ये काम है? मैं तो ये कहूँगा कि 1 से 3 इसी में बनते हैं। अच्छा, साल में 1 से 3 इसी का बनता है। और कोई, मैंने बिजनेस किया, गायों का किया खूब, एरिया के अंदर मेरे पास सबसे बड़ी डेयरी थी, लॉस का ही काम रहा। अच्छा, इसमें 1 का 3 बनता है साल का। तुम वो मतलब ब्रीड के ऊपर है या कोई भी ब्रीड पालो? नहीं, नहीं, देखो ब्रीड तो लेनी पड़ेगी, क्वालिटी में काम करना पड़ेगा, तो काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अपने लोकल गांव में हर एरिया में होता है, हर गांव में 5-4 ऐसे बूढ़े आदमी मिलेंगे जो कई सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन वो वही के वही है जैसे पहले थे वैसे के वैसे। उनको देख के लोग सोच रहे हैं कि बकरी पालन में फायदा नहीं है। नहीं नहीं, वो क्या कि एक तो अपनी खुद की ब्रीड तैयार करते हैं, देसी ब्रीड है जिसको, देसी ब्रीड इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, जो ये सिरोही है, सोजत है, बीटल है, ये जितनी तैयार होती है, जो मुनाफा देती है, वो देसी टाइम लेती है, टाइम ली है उसको। मतलब इसका बच्चा अगर 6 महीने में तैयार होगा तो 12 महीने? देखो कि ये ब्याता है बच्चा वो, और उसका 1 महीने का बच्चा बराबर बराबर वजन करता है, बराबर वजन, और खर्चा दोनों का बराबर है। हाँ, खर्चा तो ये मतलब दिन में 20 रुपया खर्चा करेगी तो वो भी करेगी, खर्चा तो सेम आएगा, और मेहनत भी दोनों में बराबर है, बराबर है। अच्छा, एक जैसे कोई बंदा मतलब किसी के पास जैसे इन्वेस्ट करने के लिए 3 लाख रुपए है, और कोई बंदा तो मतलब उनमें 50 बकरी लाता है, और कोई बंदा 20 बकरी लाता है क्वालिटी की, तो कौन सा अच्छा रहेगा? क्वालिटी की 20 लेगा वो अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे कोई 50 कट्टू की तोड़ के लिए है कि इसके अंदर ये तो आदमी क्या कि ये देखता कि 1 महीने में 2 महीने में 4 महीने में मुझे फायदा मिले, वो नहीं, इसमें टाइम लगेगा, मतलब 4 साल लगेगी, धैर्य चाहिए रुकने के लिए, धैर्य चाहिए। अब ये तो है नहीं भाई, अपने जुआ खेल लिया कल डबल हो जाएगा, साल के अंदर ही सब कुछ हो जाए तो वो तो होगा। फार्म भी लगभग ये मानो जैसे 100 फार्म खुलते हैं ना, तो उसमें 50 फार्म में बंद हो जाते हैं, 2 साल से भी ज्यादा बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको चाहिए 1 साल के अंदर सब कुछ, 2 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं, तो 1 साल भी चाहिए उनको पूरा, फायदा नुकसान होना नहीं चाहिए, फायदा फायदा वो 1 साल के अंदर चाहिए। वो जैसे यूट्यूब के वीडियो देख लिया, किसी से पूछ लिया, फिर ले आते हैं और फिर हकीकत सामने आती है तब बंद कर देते हैं। हकीकत तो इसमें लॉस वाला तो कोई कहीं पॉइंट ही नहीं है। नहीं, जैसे कोई बंदा मतलब एक तो अपनी गलती के कारण होते हैं पहले, जैसे कोई तो वर्कर के ऊपर डिपेंड रह गया 100% या माल लड़का गया, वो तो है ही है, या केयरिंग या मार्केटिंग का नॉलेज नहीं हो अच्छा। मार्केटिंग तो कहीं भी कर लो आप, इसकी मार्केटिंग के ऊपर वैसे तो कोई काम खराब होएगा ही, मार्केटिंग से कोई दिक्कत नहीं, मार्केट से तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट हर जगह है इसका, तो कोई ना रात को भी चाहे तो ये ऐसा बिजनेस है कि रात को भी इसको अपने बेच सकते हैं पूरे। अच्छा, इसका ग्राहक तो तैयार ही रहता है, लेकिन रिजल्ट हर आदमी को 1 साल में चाहिए, 1 साल में रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, आपने 5 साल हो गए, 5-6 साल? 5 साल हो गए, तो आपकी टोटल इनकम 5-6 साल की मतलब आपने हिसाब लगाया लगभग कितने? मैंने शुरुआत थोड़ी बकरियों से की थी और धीरे धीरे मैंने खुद के ब्रीड तैयार किए, तो लगभग मेरे पास 400 बकरी हो गई। अच्छा, तो अच्छा मैंने बढ़िया उसके अंदर बेनिफिट कमाया, मतलब आपने रुपये
की नहीं सोची, पहले फार्म बढ़ाने की सोची? फार्म बढ़ाने का ही सोचा। अच्छा, मैं किया कि एक साल से पहले बच्चा को बेचता ही नहीं। अच्छा, बिक्री नहीं करता हूँ। कोई नया बंदा शुरू करना चाहे उसको आप क्या टिप्स दोगे ताकि वो मतलब कामयाब हो, सफल हो? सफल ये है, धैर्य। इसके अंदर कोई भी ये नुकसान की कहीं भी वो नहीं है, गुंजाइश नहीं नुकसान की। अच्छा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे मतलब कम से कम 3 साल की सोच के? 3 साल बाद में आप रिजल्ट देखो इसका खुद सामने आ जाएगा। 3 साल की सोच के चले? 3 साल तो लगी। और एक ब्रीड अच्छी लाए चाहे कोई, कौन उसके अंदर बढ़िया ब्रीड, कौन सी भी नस्ल की लाए चाहे अच्छी बकरी लाए क्वालिटी की? अच्छा, और बीमारी वगैरह का तो ज्यादा सिस्टम? ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं है बीमारी। अच्छा, जो होती है वो जो टीके हैं वो लगवा दो टाइम पर। और ट्रेनिंग वगैरह जरूरी है इसके आजकल? नहीं, ट्रेनिंग की तो इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, अपने गांव में देहात में लोग इतना पता ही है सबको, जानवर पालते हैं। अच्छा, ये तो पुराना खानदान लोगों का काम। अच्छा, और इनको हरा चारा भी देते हो? हरा चारा तो नहीं देता, सूखा है फिलहाल, सूखे पे चल रहे हैं। मौसम से कोई हरा हो जाए तो ये तो सूखे के टाइम होते हैं तो सूखा ही सूखा ही। ठीक है साहब, धन्यवाद। छोटे बच्चे हो रहे हैं।